उस करारदाद पर ही नहीं अमल किया। अब भी जो करारदाद हैं दुनियावी भी पास हो रहे हैं कि ड्रोन हमले को किसी पर अमल नहीं, पूरी पार्लियामेंट पास करती है, राय बराबर बदल नहीं सकती। जो बेहकीकत लोग होते हैं उनको कौन फिर कुछ हैसियत देता। मैं हैरान हूं कि अब्दुल रब मिनिस्टर साहब आला के नमाजी दीनदार आदमी थे, मगर वो भी जब दस्तूर पास हो रहा था उस वक्त हिंदू भी मेंबर थे बांग्लादेश से, तो इन्होंने ये ठट्ठा शुरू किया दीन को ना समझने की वजह से, मदद समझने की वजह कि मुसलमान ये हुकूमत जो ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, कुरान और सुन्नत यहां का कानून हो, और साथ ही यह शक कि गैर मुस्लिम भी सदर मुमलकत और अमीर मोमिन हो सकता, ये भी ले आए, हिंदू खड़ा हो गया। उसके हाथ में मौलाना मौलवी रहमतुल्लाह का नजरिया सियासी था, उसने कहा यार शर्म करो, अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो गैर मुस्लिम इसका किस तरह अमीर मोमिन हो सकता, या इस्लामी जमहूरिया खत्म करो, सेकुलर स्टेट है जमहूरी, फिर ठीक है जो सर। तो अब्दुल रब मिनिस्टर ने अल्लाह उन्हें माफ करे बजाय को मकबूल जवाब देने के ये कहा कि तुम जानते हो किसका लिखने वाला कहां, उन दिनों में सेफ्टी एक्ट के तहत मौलाना मौलवी जेल में थे। ये जवाब दिया अल्लाह इनकी गलतियां माफ करे, वो सही बात हिंदू कह रहा था, इस्लामी हुकूमत कहते हो और फिर काफिर इसका अमीर, यानी ऐसा मजाक इन लोगों ने किया पाकिस्तान के साथ कि आप हैरान होंगे अगर आप दीन को समझें कि उस रास्ते पर एक दिन नहीं आए। इसीलिए आप बच्चों के जहनों में आ ये सवाल पैदा हो गया तौबा तौबा खतरनाक कि यार पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी, पाकिस्तान के वजूद के बारे में लोग मशकूक हो गए कि फायदा ही कोई नहीं, अगर यही चीजें तो हिंदुस्तान में कौन रोकता था, नाच गाने बिपरियां वहां ही रहते, अगर वो काम करते जिसके लिए मुल्क लिया था ना बांग्लादेश बनता, ना यहां करप्शन होती, ना ये खराबियां होती, ना हम पर कोई चढ़ाई करता, दीन की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। बल्कि जो ज्यादा उम्र के लिए मेरी तरह वो जानते हैं कि अंग्रेजी दौर में हम दीन से इतने दूर नहीं थे, हमारी अखलाकी हालत इतनी बुरी नहीं थी जितनी मुल्क का आजाद होने के बाद। उस वक्त तो मस्जिद के सामने को बाजा बजाता था, हम मर जाते कि हमारी मस्जिद के सामने तुमने शोर किया, अब खुद बजाते हैं। उस वक्त ये सोच सकता था कि औरतें इस तरह की, मगर हमारे वजीर आजम अल्लाह माफ करे उनकी बीवी ने ईरान किया कि अगर इस मुल्क में शरीयत आई तो सबसे पहले मैं उसकी मुखालफत के लिए बाजारों में निकलूंगी। ये सब पाकिस्तानों में लेकर दी। अब ये सारी बातें गौर तलब है कि हम सोचें कि हम एक दीन को मानने वाले हैं, किसी मजहब और पूजा पाठ को मानने वाले नहीं, और हम दुनिया में गलबे और हुकूमत के लिए आए हैं, जूतियां खाने के लिए नहीं। इस तरफ आ गए ना मुसलमान, मगर ये खानकाई निजाम जैसे इकबाल कहते हैं देर हुई हमें इन लोगों ने दबा कर दिया। एक तरफ सूफी उठ खड़े हुए अल्लाह अल्लाह कर, एक तरफ मौलवी उठ खड़े शिया सुनी बरेली, दूसरी तरफ शायर उठ खड़े हुए कि नहीं यार ये जन्नत दोस्त की बातें छोड़ो, आकबत की खबर खुदा जाने अब आराम, सब ने मिलकर ना हमें मुर्दार कर दिया मुर्दा। तो वहां फिर एक बार रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये मामले हैं नाजुक, जो तेरी रजा हो तू कर, ऐ मुसलमान जो तेरी मर्जी, के मुझे तो खुश ना आया ये तरीके खान का है, ये खान का ही निजाम कर रहे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि दुनिया के हंगामे छोड़कर काफिरों को फ्री हैंड देकर के हमारे मुल्कों के साथ जो अल्लाह अल्लाह हमें लग दे, लंबी लंबी तस्वीरें ले लें और गोनों में बैठ जाए, वो हमारे मुल्कों पर काबिज हो गए, हमारे वसाइल छीन लिए, तुम अल्लाह अल्लाह में लगे। अल्लाह अल्लाह तो ये कहता है या वसत अफलाक में तकबीर इंसान, मुसलमान फौजें जा रही हैं अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, या गुसत अफलाक में तकबीर मुसल, दूसरी तरफ सूफी या खाक की आगोश में तस्बीह हो मुनाजात, वो मजहब मर्दान खुदा गाहो खुदा मस, ये मजहब मुल्लाओ जमादात नबातात, ये मुर्दों वाला दीन के फुजरों में बैठे पढ़ रहे वो इस्लाम का दीन था कि लश्कर जा रहे। आप देखें ईद की नमाज के लिए जो हुक्म था अल्लाह अकबर कहते लोग जाए बाजारों में, और अमीर मोमिन जो उसके साथ फौज हो, खुद हुजूर के साथ होती फिर भी साथ हाकम जाए फौज हो और उसके आगे नेजा हो, अलामत के तौर पर नेजा हथियार के, मुसलमान कोई कमजोर नहीं है, जो बुरी नजर उठाएगा ये निशान देख लो, वो खलीफे के सामने गाड़ा जाता, मस्जिदों में नहीं नमाज होती खुले मैदान में, आगे गाड़ा जाता उसके पीछे खड़ा होकर अमीर मोमिन नमाज पढ़ाता, एक तरफ कुरान का वाद करता दूसरी तरफ नेजा दिखाता, पूरी दुनिया काम पीछे इनकी तरफ बुरी नजर ना करो। अब जब ये चिले काटने वाला दीन बन गया, अल्लामा इकबाल का तरीका जो था बुरा लगा, निकल कर खान खाहों से अदा कर रस्म शबीरी के फकरे खान का ही है फकर तंग दो हो जड़ गई, इसी तरह मेरी तरह और आपकी तरह कुड़ना ही है ना, कि मुसलमान कहते ये फकीरी दर्जी कुड़ना
यही तुम्हारी किस्मत में रहेगा। अगर हुसैन की तरह मैदान में आ जाओ, जरूरत से काम लो, लोगों को भी हम ख्याल बनाओ, तब्दीली आ सकती है।